Hey guys, welcome back to my channel Takeaway Beginner में. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं SSC की तरफ से जॉब अपडेट 3000 प्लस वैकेंसी यहाँ पे आया हुआ है. यहाँ पे 12th पास एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास भी एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं एंड कोई भी ग्रेजुएट एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं. इवन ITI वाले भी यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो आगे हम इस वीडियो में सारा कुछ देखने वाले हैं, सैलरी वगैरह, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर ज़रूर से करना. एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए. आप लोग वीडियोज़ को तो देख रहे हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो. आप लोग सपोर्ट करते हो, इससे मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन मिलता है तो इससे अच्छा लगता है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना. सो प्लीज़ यार सपोर्ट कर लिया करो. आगे बढ़ते हैं हम नोटिफिकेशन की तरफ एंड देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में. नाउ 24 सितंबर 2021 से यहाँ पे अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड 25 अक्टूबर 2021 यहाँ पे अप्लाई करने की लास्ट डेट है. सो करीब 23 to 24 days अभी आपके पास है अप्लाई करने के लिए. ओके, एंड लास्ट डेट से पहले आप ज़रूर से अप्लाई कर लेना क्योंकि इससे आपका ही फ़ायदा होने वाला है. आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होने वाला है वो आपके नियरेस्ट एरिया में होने की चांसेस ज़्यादा रहता है अगर आप पहले से ही फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं तो. ओके, यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका जनवरी या फिर फरवरी 2022 में होने वाला है. सो आपके पास अभी करीब 3 to 4 months है प्रिपरेशन करने के लिए. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं तो यहाँ पे अलग अलग 271 पोस्ट है. हर एक पोस्ट के लिए अलग से क्वालिफिकेशन है तो हर एक पोस्ट के लिए अगर अलग से क्वालिफिकेशन डिस्कस करने जाए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग वीडियो को स्किप करके निकल जाएंगे. हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ये आप कैसे फाइंड करेंगे. ओके, पर उससे पहले जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, यहाँ पे 10th पास, 12th पास और कोई भी कैंडिडेट जिसने किसी भी स्ट्रीम से किसी भी परसेंटेज के साथ किसी भी ईयर में अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किए हैं एलिजिबल है एंड अप्लाई कर सकते हैं. ओके, और साथ में यहाँ पे ITI वाले भी डेफिनेटली एलिजिबल है एंड अप्लाई कर सकते हैं. नाउ अब बात आती है कि आप अपने क्वालिफिकेशन के बेसिस पे यहाँ पे पोस्ट को कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन के ऊपर 85 पेज नंबर 85 से लेकर 113 तक सारा कुछ पोस्ट दिया हुआ है क्वालिफिकेशन की बेसिस पे, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं और आपकी क्वालिफिकेशन की बेसिस पे जितने भी पोस्ट है आप उसके लिए डेफिनेटली एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं. सो यहाँ पे जो भी 10th पास कैंडिडेट है वो लोग 10th पास की बेसिस पे जितने भी पोस्ट है उन सब के लिए एक साथ फॉर्म फिल कर सकते हैं. 12th पास जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सब एक साथ फॉर्म फिल कर सकते हैं जितने भी पोस्ट है 12th पास के लिए. और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले के लिए जितने भी पोस्ट है उन सब का फॉर्म आप एक साथ भर सकते हैं. नाउ अगर आप 12th पास हैं तो आप यहाँ पे 10th के बेसिस पे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड 12th के बेसिस पे भी फॉर्म फिल अप कर सकते हैं. ओके, एंड सेम इसी तरह से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप 10th के बेसिस पे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, 12th के बेसिस पे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं. ओके, आप जितने भी अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल होंगे, लाइक आप 10th पास के लिए एलिजिबल है, 10th पास के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना है, 12th पास के लिए एलिजिबल है तो 12th पास के लिए एक फॉर्म आपको फिल करना है और ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके बेसिस पे आपको एक फॉर्म यहाँ पे फिल कर लेना है. अगर हम बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में तो यहाँ पे जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है ओनली 100 rupees, बाकी SC ST PWD और फीमेल्स कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ी नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है. आप लोग बिल्कुल फ्री में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. सो जनरल मेल कैंडिडेट जितने भी फॉर्म फिल करेंगे उसके बेसिस पे उन लोगों को पे करना है. लाइक आप एक फॉर्म फिल कर रहे तो आपको 100 rupees पे करना है, दो फॉर्म फिल कर रहे तो आपको 200 पे करना है एंड अगर आप थ्री फॉर्म फिल कर रहे तो आपको यहाँ पे 300 पे करना है. सेम इसी तरह से SC ST PWD और फीमेल्स कैंडिडेट को कुछ भी पे नहीं करना है, वो सारे फॉर्म्स के लिए बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं. आप जितने भी अलग अलग फॉर्म्स फिल करेंगे, लाइक आप एक फॉर्म फिल करते तो आपको एक एग्ज़ाम देना है, दो फॉर्म फिल करते तो आपको दो एग्ज़ाम देना है, थ्री अलग अलग फॉर्म अगर आप फिल करते तो आपको यहाँ पे 3 times एग्ज़ाम देना होता है. आई होप मैं आप लोगों को क्लियर समझा पाई हूँ एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी. ओके,
हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो स्टेजेस में आपका सिलेक्शन होने वाला है। स्टेप वन आपका एक रिटन एग्जाम होगा एंड स्टेप टू आपका एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं जिसके लिए आपको कोई भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना है, जैसे कि एनी ग्रेजुएट की पोस्ट। एनी ग्रेजुएट के लिए जो भी अप्लाई करेंगे उन लोगों को कोई भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना है, उन लोगों को बस एक ही रिटन टेस्ट देना है। ITI वालों के लिए डिफरेंट ट्रेड के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होने वाला है। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न के बारे में, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न हर किसी के लिए सेम ही रहने वाला है। ओके, बस क्वेश्चन का लेवल आपका डिफरेंट होगा। जैसे कि 10th पास के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनका क्वेश्चन का लेवल सिंपल होगा, 12th पास के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनका क्वेश्चन का लेवल 10th पास से थोड़ा हाई होगा, मतलब मीडियम लेवल आप बोल सकते हैं। और ग्रेजुएशन के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनका लेवल थोड़ा सा हाई होगा 10th और 12th के लेवल से। ओके, आपका जो भी प्रिपरेशन है वो भी बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। करीब 4 months टाइम आपको मिल रहा है तो आपका प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से होने चाहिए। नाउ इस वाले वैकेंसी के लिए आपको स्पेसिफिक कोई बुक या स्पेसिफिक कोई कोर्स नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये वाला वैकेंसी हर साल आपको नहीं मिलता है। ओके, तो आप SSC के जो कॉमन बुक्स हैं, जो कॉमन कोर्सेज हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड साथ ही में आन अकेडमी के जो भी फ्री टेस्ट सीरीज आते हैं जिसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री में आपको वो टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। ओके, सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10th लेवल के लिए जितने भी पोस्ट है उन लोगों के लिए सैलरी है 32-35,000 पर मंथ। सैलरी आपका कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में पोस्टेड है उसके ऊपर। 12th लेवल के लिए जितने भी पोस्ट है उसके लिए सैलरी है 35-40,000 पर मंथ। ग्रेजुएट्स के लिए जितने भी पोस्ट है उसके लिए सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाला है 40-45,000 पर मंथ। ओके, रिटन एग्जाम का जो पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो SSC CGL एंड SSC CHSL का एग्जाम का पैटर्न जो भी रहता है सेम वही पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है, और सब्जेक्ट्स भी बिल्कुल आपका सेम ही रहने वाला है SSC CHSL एंड CGL की तरह। जैसा कि मैंने बताया क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा, पर क्वेश्चन का जो लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा। जैसे कि 10th लेवल के लिए सिंपल क्वेश्चन, 12th लेवल के लिए उससे थोड़ा टफ, एंड ग्रेजुएशन के लिए उससे थोड़ा टफ 10th एंड 12th के बेसिस पे। ओके, सब्जेक्ट्स में आपका यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश रहने वाला है। ओके, क्वेश्चन में से आपका 25 क्वेश्चंस होंगे, सो टोटल आपका यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। इसके लिए आपको सिर्फ 1 आवर का टाइम मिलने वाला है यहाँ पे, और हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स करके होगा, सो टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम आपको यहाँ पे देना है। जो लोग इस रिटन एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे वो लोग प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए अपीयर होंगे। रिटन एग्जाम पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि उसका जो मार्क्स है वो मेरिट लिस्ट पे ऐड होता है, और प्रोफिशिएंसी टेस्ट तो बस क्वालिफाइंग नेचर है, उसको बस आपको क्वालिफाई करना है, उसका मार्क्स मेरिट लिस्ट पर ऐड नहीं होता है। ओके, सारा कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अगर आप एलिजिबल है तो आपको यहाँ पे 25th of October से पहले अप्लाई कर लेना है। ओके, 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट्स के लिए बहुत ही बढ़िया मौका रहने वाला है। दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर जरूर से करना। एंड अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको इस जॉब से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।